Calculate the volume of the following object. An orange sphere of mass 5 kg. The density of is 8200 kg per meter cube. क्वेश्चन की डिमांड है कि आयरन स्फीयर का मास अगर 5 केजी हो और उसकी डेंसिटी 8200 केजी पर मीटर क्यूब हो तो उसका वॉल्यूम फाइंड किया जाए। गिवन डाटा, मास 5 केजी है, डेंसिटी 8200 केजी पर मीटर क्यूब है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे जो कि डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। अब हम वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी की जगह पे चला जाएगा और डेंसिटी जब वो मास पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा मास ओवर डेंसिटी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू 8200 है, मास 5 kg है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम मास की वैल्यू आएगी 5, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 8200 kg पर मीटर क्यूब। जब इन वैल्यूज को हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 5 / 8200, जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 6.1 × 10⁴। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इसको मीटर क्यूब में लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट ही मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह वॉल्यूम हमारे पास आ गया 6.1 × 10⁴ मीटर क्यूब। 7.3 का सेकंड पार्ट है। 200 ग्राम ऑफ लेड शूट हैविंग डेंसिटी 11,300 kg पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ है 200 ग्राम और डेंसिटी दी है 11,300 kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें डिमांड की जा रही है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें। गिवन डाटा में मास 200 ग्राम दिया हो, इसको जब हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा जो कि आ जाएगा 0.2 kg। अब डेंसिटी हमें जो दी है वो 11,300 kg पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम इस क्वेश्चन में डिमांड किया गया है तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास ओवर वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। अब हमने तो असल में वॉल्यूम फाइंड करना है, तो डेंसिटी जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी मास के नीचे और वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा मास ओवर डेंसिटी। तो अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास की वैल्यू हमारे पास 0.2 है और जो डेंसिटी दी हुई है वो हमारे पास 11,300 kg पर मीटर क्यूब में दी हुई है। अब जब कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड किया जाएगा 0.2 / 11,300, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.77 × 10⁻⁶। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा जो कि मीटर क्यूब में होगा। तो इस तरह हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास आया 1.77 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। 7.3 थर्ड क्वेश्चन। अ गोल्ड बार ऑफ मास 0.2 kg, द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर हमें वो मास देता है 0.2 kg और जो डेंसिटी है वो देता है 19,300 kg पर मीटर क्यूब। अब वो डिमांड करेगा कि इसका वॉल्यूम फाइंड किया जाए। अब गिवन डाटा को देखें तो मास 0.2 kg है, डेंसिटी 19,300 kg पर मीटर क्यूब है और वॉल्यूम हम फाइंड करने जा रहे हैं। अगेन हम डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। एक्चुअली हम वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं इसलिए वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी की जगह पर आ जाएगा और डेंसिटी जो है वो मास पर डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा वो मास ओवर डेंसिटी हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2 / 19,300 और जब इन वैल्यू को हम कैलकुलेटर के जरिए डिवाइड करेंगे 0.2 / 19,300 तो हमारे पास आंसर आएगा 1.04 × 10⁵ जो कि माइनस में होगा। तो इस तरह ये वैल्यू वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी 1.04 × 10⁵ ये मीटर क्यूब में होगी क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.04 × 10⁵ मीटर क्यूब हम फाइंड कर चुके हैं।